8.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, तीन पार्ट हो चुके हैं, अब हम लोग फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। 1 प्लस sec के अपॉन sec के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos। देखिए 1 प्लस sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos अपॉन sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos इज इक्वल साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos। यहाँ लेंगे एलसीएम ऊपर, तो cos a एलसीएम आ जाएगा तो क्या बचेगा, cos a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cos a, cos a से cos a कैंसिल इज इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल। अभी क्या होता है, 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 1 प्लस cos a, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि इसमें कुछ एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके वजह से हम क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ध्यान से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हम सबसे पहले कॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन का डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर किसका, साइन का लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस सॉरी बाय साइन थीटा। देखिए कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस वन अपॉन साइन अपॉन, अब यहां पर कॉस अपॉन कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन साइन माइनस वन अपॉन साइन। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा, साइन अपॉन साइन क्या होता है माइनस के वन, प्लस वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस साइन अपॉन साइन वन माइनस वन अपॉन साइन कोसेक, ठीक। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट माइनस के वन अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। आप ध्यान से देखिए, बस यही क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस वन की क्या रखेंगे, आपको ध्यान होगा फूल भाई था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, किसकी जगह लिखा माइनस वन की वैल्यू, माइनस एज इट इज वन की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू तो होती है वन, हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन हमें किस यहाँ पर क्या कोसेक यहाँ क्या कॉट, तो हमें ऐसी वैल्यू दी जो कोसेक और कॉट के फॉर्म में हो, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू देती है वन, इस अपॉन नीचे आ जाती रहेंगे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। ध्यान से देखिएगा, अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन नीचे एज इट इज कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, क्लियर। अब देखिए बच्चों, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इधर भी है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इधर भी है, तो मैंने कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो इधर से पूरा कॉमन ले लिया तो इधर से वन माइनस माइनस का माइनस लगा दिया,
ये तो मैंने पूरा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन ये एज इट इज नीचे वाला कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस के वन। क्लियर? यदि प्लस वन है प्लस वन आ गया। अब इसे देखिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज, अब इसे ब्रैकेट खोलो, वन प्लस कोसेक थीटा सॉरी माइनस कोसेक थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। क्या किया मैंने, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, वन ये लिखा है माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। अब देखिए आप, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, नीचे भी कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन है। अगर आपको अरेंज करना तो एक बार लाइन एक स्टेप बढ़ा लीजिए और समझ में अच्छी जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज, फिर वन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक, क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आपकी आर एच एस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर?